Assalamualaikum इस वीडियो में हम बात करेंगे तो इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी पहले मिल सकेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम बाईस जनवरी दो हजार इक्कीस की Uh, जो क्लोजिंग है मार्केट की वो देखें तो मार्केट की क्लोजिंग आई है फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स के लेवल पे दैट मीन मार्केट के अंदर दोबारा से प्रेशर देखने को नजर आया और वो प्रेशर मार्केट के अंदर इतना ज्यादा था कि मार्केट को फोर्टी सिक्स थाउजेंड के मार्क से नीचे पे क्लोजिंग देने पर मजबूर किया तकरीबन एक सौ सोलह पॉइंट जो मार्केट ने लूज किया अगर हम हाई देखें मार्केट का उस दिन का तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटीन का हाई बनाया और लो जो है फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटी का जो है मार्केट ने लो बनाया ठीक है तो मार्केट का जो वॉल्यूम था वो था दो मिलियन का वॉल्यूम मार्केट का ओवरऑल रहा अगर हम ऑल शेयर की बात करें तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखा जाए तो तकरीबन 430 मिलियन शेयर्स का, का काम हुआ ओवरऑल uh, मार्केट के अंदर नाउ लेट्स मूव टू टेक्निकल साइड के टेक्निकल क्या कहती है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या नजर आती है तो जैसे कि अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें तो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट अपने मल्टीपल uh, लेवल से ब्रेकआउट जो है वो दे चुकी है

हाई से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाती जो कि मार्केट ने वीकली बेसिस पे 46314 का हाई बनाया तो तो हाईली लाइकली चांसेस है मार्केट जो है वो रिवर्ट होगी और अगर मार्केट रिवर्ट होती है तो सबसे पहले जो मार्केट को सपोर्ट हॉरिजॉन्टल बेसिस पे मिलेगी वो सपोर्ट मिलेगी तकरीबन इस वाले जोन के अंदर यहां पे जो कि 45200 का एरिया ये मार्केट के लिए एक सपोर्टिव रोल हो सकता है और इसके बाद अगर मार्केट गिरती है मार्केट तकरीबन इस वाले फेज में आएगी यहाँ से लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो लेवल बन सकता है मोस्ट प्रोबली ये वाला जोन तो ये काफी की एरिया होगा मार्केट के लिए इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट तो ये देखना चाहिए और इसके हिसाब से ही काम जो है वो करना चाहिए तो मार्केट का अगर रिवर्ट आता भी है तो वो रिवर्ट जो होगा तकरीबन मार्केट को पुश कर सकता है यहाँ पे उसके बाद चांसेस है मार्केट वापस से ऊपर आए और फिर वापस

आ, ये जो लेवल बन रहा है वो तकरीबन फोर्टी फोर थाउजेंड 44,000। तो ये जो है फोर्टी फोर थाउजेंड का लेवल है और यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो देन मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं और अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है तो देन डेफिनेटली मार्केट विल कम डाउन टू नियर दिस ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन है तकरीबन फोर्टी वन थाउजेंड की तो अगर टेक्निकली देखें तो यहाँ से जो करेक्शन की बात हम कर रहे हैं उसके अंदर तकरीबन तकरीबन चार से साढ़े चार हजार पॉइंट्स और पांच हजार करेक्शन जो है वो बन सकती है आ, अगर मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन नहीं करती है तो जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक की मेजर इवेंट था इकोनॉमिक इवेंट था वो हो चुका है और उसके अंदर रेट को जो है वो अनचेंज रख दिया गया तो मार्केट उसका ऑलमोस्ट इम्पैक्ट ले चुकी है और क्योंकि कंसेंसस भी वही थे जो रिजल्ट आया तो अनएक्सपेक्टेड नहीं था इट वाज फेयरली एक्सपेक्टेड इन मार्केट बाय एवरी पार्टिसिपेंट के मार्केट का जो मॉनिटरी uh, पॉलिसी है रेट है वो अनचेंज ही रहेगा स्टेटस को पे ही रखेंगे ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके लेकिन ज्यादा टाइम नहीं रख सकते हैं ये अब इन्हें यहाँ से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना ही होगा क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो है वो नेगेटिव नेट इम्पैक्ट आ रहा है जो कि इकोनॉमी के लिए ज्यादा सस्टेनेबल नहीं हो सकता तो इसके लिए इन्हें करना पड़ेगा दूसरी चीज ये की करंट अकाउंट की न्यूज आ गई के करंट अकाउंट तकरीबन कोई लास्ट फाइव मंथ्स के बाद जो है अगेन डेफिसिट के अंदर आया तो इट्स अ गुड साइन और साइमल्टेनियसली के इकॉनमी ग्रोथ की तरफ आ रही है एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं और साथ में जो ग्रोथ जो मार्केट के अंदर दोबारा से इकॉनमी uh, के अंदर जो देखी जा रही है तो लेकिन यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का नो डाउट इम्पैक्ट पहले भी था और वो नेगेटिव इफेक्ट ही ज्यादा करता आया है क्योंकि हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है तो उन सब चीज़ों को नजर में रखा जाए तो मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है थोड़ा प्रेशर बन सकता है दूसरी चीज ये कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर बात की जाए तो जो मार्केट बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर है उसको भी अगर हम इनलाइन करें अपनी एनालिसिस में तो डेफिनेटली मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो हायर साइड के ऊपर है तो जो लोग बहुत ही टेक्निकल ग्राउंड्स पे काम करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ से इस लेवल से नीचे पे रखें जो कि लेवल आपको नजर आ रहा है तकरीबन तकरीबन ये जो एरिया है वो है फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड का तो अगर मार्केट इससे नीचे पे क्लोज होती है तो देन डेफिनेटली मार्केट विल मूव फर्दर डाउन टूवर्ड्स फोर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड है उससे पहले एक छोटी सी सपोर्ट होगी मार्केट की वो जो पे मिल सकती है नाउ लेट्स मूव बैक टू दी डेली टाइम फ्रेम तो विलेशन बन रही है और मार्केट जो है आपको लेकर आई है और यहाँ पे जो है मार्केट अपने आपको कंसोलीडेट कर रही है क्लियर तो साइन है नो no डाउट के ये वाला जो लेवल है मार्केट का ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है और जब तक मार्केट का ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट जो है वो ऊपर जाने के मार्केट के चांसेस काफी लो नजर आएंगे हमें ये फोर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड का एरिया ऑल दो के करंट अगर लेवल पे भी देखे तो मार्केट जो है वो आप ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे अगर बात की जाए डेली टाइम फ्रेम पे तो ये वाली कैंडल्स को अगर बेस बनाते हुए हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो इट्स ऑलरेडी ब्रोकन ठीक है अगर इनको हम जो है ट्रेंड लाइन से देखें तो इट्स ऑलरेडी ब्रोकन

टर uh, so, तो तो का तो यहाँ से शॉर्ट टर्म ऊपर मार्केट जा सकती है जैसे कि यहाँ पे देखा तो फोर्टी सिक्स थाउजेंडन टू हंड्रेड का एरिया मोस्ट लाइक दी मार्केट अचीव कर सकती है और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर प्रेशर आएगा तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो ये वाला अपसाइड एरिया बन सकता है और ये वाला जो है डाउन साइड एरिया जो है वो बन सकता है मार्केट का तो मार्केट की एक्सपेक्टेड सपोर्ट इज अराउंड फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंडसाइड रिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड से टू हंड्रेड का एरिया जो है वो स्पेसिफिकली बन जाएगा तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए बिल्कुल भी मार्केट के अंदर और उस हिसाब से काम करना चाहिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को कर, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंटायर वीडियो